प्रोग्राम के बारे में गुफ्तगू कर रहे सा। देखा लोगों ने बहुत बड़ा समुंदर मसाइल को हल किया, उनको जमीनों के हक, उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमने दी। अब बारी पहाड़ियों की है और पहाड़ियों की जो जरीना मांगे हैं वो मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने ऐलान कर दिया है कि आप पहाड़ियों के भी मसाइल सारे के सारे हल होंगे। गुजर भाई हो, बकरवाल भाई हो या पहाड़ी भाई हो, ये एक माँ के तीन बेटे हैं और तीनों के साथ बराबर का इंसाफ मोदी सरकार करेगी और यकीनन करेगी। सर, पीएचईडी की तरफ से स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 370 भी वापस आएगा और स्टेटहुड को भी रिस्टोर किया जाएगा। गाली उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी आता है स्टेटमेंट आया। देखिए 70 साल ये जो गुपकार वाले हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, 70 साल आपने गुज्जर बकरवालों के बच्चों के हक क्यों खाए? 70 साल एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने यहाँ के गुज्जर और बकरवाल भाइयों को ना जमीनों के मालकाना हक दिए, ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, ना ही उनकी नौकरियां दी, उल्टा उनकी नौकरियां इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करके खाई। और 70 साल पहाड़ियों को आपने जुल्म और सितम का शिकार एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने बनाया, पहाड़ियों को गुलाम बना के रखा और गुजर बकरवालों को गुलाम बना के रखा 70 साल एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने। और आज जब पहाड़ी और गुजर और बकरवाल जाग चुके हैं तो नेशनल वाले, कांग्रेस वाले और पीडीपी वालों के पेट में तकलीफ हो रही है। यकीनन ये तकलीफ आगे और बढ़ने वाली है। ये हजूम देखकर ये लोग अब बहुत परेशान हैं क्योंकि ये सितमगर लोग हैं, इन्होंने 70 साल सितम किए। सर, एक अहम सवाल रहेगा, ₹1947 में जो जम्मू कश्मीर का बंटवारा किया गया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेशनल कॉन्फ्रेंस यूं की एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये जो बंटवारा, जो लकीर खींच के रख दी गई है, ये जो लकीर यहाँ ग्रेस से लेके उड़ी, मच्छल, केरन और यहाँ रजौरी, पुंछ, ये जो एलओसी बनाई गई, ये एक साजिश थी। मंडी ने जलसा उसमें तक किया, उसके बाद उसने पुंछ ने तक किया, मैंड ने तक किया और आज ये जलवा जड़ा भारतीय जनता पार्टी ना, ये रजौरी ने डा बंगले में 5000 तो ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ना इस राजौरी, पुंछ ने नाल नाल जम्मू कश्मीर ने अंदर जरा भारतीय जनता पार्टी ना कद बढ़ना पाया, उसने एक मिसाल है, उसने एक एग्जाम्पल है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास नहीं गल करने, और मेरे तालम साहब ने मसा ये गल आखी दी है। इन्हें ठीक आख्या कि 2014 विच इन्हें जरूरत की थी और भारतीय जनता पार्टी इन्हें ज्वाइन की थी और 5000 वोट इन्हें लिया और उसने इन्हें बड़ी मुखालत भी हुई। उन्होंने ये शुरुआत है जड़ी आज इतने जून की था नजर आवा नहीं है। मैं दिल ने गहराइया तालम साहब की धन्यवाद भी करना और मुबारकबाद भी देना। साथियों, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास विच 5 अगस्त 2019 की 370 35 तोड़ने तो बाद सब को बड़ा फायदा जड़ा है, ऐसा ने गुजर समाज, बकरवाल समाज, इन्हें दोनों समाज ही दिखाई।